Que foda. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राज का किचन. एंड टुडे वी आर मेकिंग हांडी चिकन विद सम डिफरेंट रेसिपी. प्लीज वॉच आवर वीडियो टिल द एंड टू सी आवर रिएक्शन. दोस्तों, राज के किचन में एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत है. और जैसे कि पिछले दिनों से काफी वीडियोस हमारी नहीं आ पाई और इसके लिए हमें बहुत खेद है, क्योंकि मैं कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियों से गुजर रहा था तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाया. बेसिकली मुझे एक हाई शुगर हो गई थी, क्या नाम कहते हैं, 500, और फास्टिंग में 300 से ऊपर उसका, वो मैं दिखाऊंगा. लेकिन 2 महीने के बाद मेरी शुगर डायबिटिक एकदम ठीक हो गई और मैं उसके बारे में सीरीज बनाऊंगा, शुगर सीरीज. यदि आप जानना चाहते हैं कैसे शुगर मेरी ठीक हुई है तो उसके बारे में भी आपको बता सकते हैं. और क्या नाम कहते हैं, मेरी तो हो गई, आपकी भी हो सकती है. एंड और इसलिए मैं रेसिपीज नहीं बना पाया और मैंने अपने एक फ्रेंड को भी अपना चैनल का एक्सेस दिया था कि भाई कि आप भी इसमें कुछ कुछ अपने ब्लॉगिंग डालो. सो मस्ट गो ऑन, तो इसलिए हमारी वीडियो चलती रही. सो दोस्तों, फिर से एक बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अनोखी रेसिपी, हांडी रेसिपी. चलिए दोस्तों, बनाते हैं इसको. और बहुत आसान है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है. चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे बनाते हैं. इसमें एक आप एक ऐसे वो ले लीजिएगा और उसमें डाल दिए प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दो. और उसमें आपको चिकन डालना है, राइट, चिकन डालना है. और उसके बाद ये कटा हुआ धनिया, मतलब लहसुन, और कटी हुई लाल और हरी मिर्च. ये अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत आसान तरीका है. और ये हमारे पास तो मसाले हैं, ये बड़ी इलायची है और ये छोटी इलायची है, और ये क्या नाम कहते हैं, सिनेमन दालचीनी, और एक कसूरी मेथी, और ये हमारे पास है पत्थर फूल. अगर पत्थर फूल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसको आप मेरे हमारे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं. ये लॉन्ग पेपर है, लंबी वाली मिर्च. और इसको हम थोड़ा सा, इसको ऐसे ही नहीं डालेंगे, थोड़ा हम इसको इसमें पीसेंगे, कोट कर डालेंगे ऐसे करके, हम इसको थोड़ा कोट कर लेंगे. और दोस्तों, इसमें ये डलेगा हमारा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और ये भुना हुआ जीरा है जो हमने घर में बनाया है, और ये हल्दी घर में कुटी हुई, और ये धनिया पाउडर, ये भी हम इसमें डालेंगे. और इसमें डलेगी थोड़ा सा दही. वाओ, ये अच्छा इसका स्वाद देगी. और उसमें हम एक डालेंगे पूरा एक साबुत लहसुन, और इसके ऊपर से हम ये डालेंगे जो हमारा जो कुटा हुआ मसाला था ना, एकदम कुटा हुआ मसाला, वो डालेगा. ये अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं. अरे हाँ, हमने इसमें तो एक चीज ऐड करना भूल ही गए. क्या? वो हमें डालना है इसमें, वैसे ना अपना भेल, जैसे भेलपुरी बनाते हैं, टेस्ट सॉल्ट टू टेस्ट. इसमें हमें नमक डालना है, नमक शमक. इसी से तो स्वाद आएगा. बेस्ट डेडा, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है. डेडा, यस, ऐसा ही लग रहा है जैसे कहीं जैसे भेल वो मिलती है, भेलपूरी है, लुक लाइक भेलपूरी. यस, इतना बढ़िया लग रहा है. या वाओ, ये बन गया हमारा हांडी चिकन का बेस. बेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका बेस बना हुआ है. ये वाओ, बहुत आसान है दोस्तों. आप अपने घर में इसकी कोशिश करें बनाने की, ज्यादा मेहनत आपको इसमें नहीं लगती है. इसका जो हमारा मार्केट प्राइस जो हम देते हैं इसमें, फोर बिग पीस, इतना
इतना इतना इतना बड़ा चार पीस और ये लेग पीस, ये हम बना के एक हांडी के साथ चार पीस मात्र 300 रुपए में। राज का चिकन की खासियत ये है दोस्तों, इसमें घर के मसाले रहते हैं ऑर्गेनिक, और जो ये खाता है ना, जो इसको एक बार वो तो खाता ही रहता है। मैं तो ऑर्डर देते देते थक जाता हूँ, और बीच में थोड़ा मेरी शुगर की वजह से मेरी थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी, तो इसलिए मेरा किचन थोड़ा स्लो हो गया था। और ये हांडी में दोस्तों हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा हुआ है, इसमें तेल गरम हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा देंगे आपको, इसमें देंगे थोड़ा ये, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हींग का तड़का बस। अब हम इसमें इसको जो हमने ये किया है इसको हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। स्लो एंड स्टेडी, भूचान नहीं बचाना है गाइस, भूचान बच गया तो पूरा फट फैल जाएगा। वाह, कोई भी चीज इसमें बर्बाद ना करें, सब इसमें डालें। ये जो हमारा छोटा छोटा थोड़ा हमारा मसाला चिपका हुआ है ना, तो इसको भी हम इसको ऐसा करके कहीं ऐसे में करोगे ना तो आपको बिना मसाले का स्वाद नहीं आएगा, ऐसे डाल देंगे। तो गाइस टुडे गोइंग टू बी वेरी स्पेशल हांडी। अब दोस्तों इसको आपको ज्यादा चलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वो हुआ है, इसमें आपको चलाने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा आप फिक्स कर दो बस। राइट, इट्स ऑलमोस्ट रेडी, एड वाटर एज यू लाइक, माई किड्स लाइक मोर ग्रेवी, ज्यादा पानी, सो मोर ग्रेवी। दालचीनी के पत्ते वो हमने पहले नहीं डाले तेल में क्योंकि वो पहले जल जाते हैं, तो इसमें अच्छा फ्लेवर देते हैं बाद में। अब दोस्तों हम इसको ऐसे पैक करेंगे और let's see, okay, and we'll do that. हम इसको इस तरह से फुली पैक करेंगे चारों तरफ से ये, ताकि जो इसका अंदर का फ्लेवर है ना वो कहीं बाहर नहीं जाए, अंदर ही घुटके रह जाए। ये तो इसकी खास तारीफ होती दोस्तों, एक बार जो खाए बस खाता रह जाए। तुमने डैश वाली वीडियो में देखा होगा, हमने हांडी चिकन में बिल्कुल ऐसे ही करा था और उसके ऊपर बहुत सारी पत्थर और केतली डाली थी। तुम बैक सीन देखोगे ना, मैं इतना डर गई थी उस टाइम। और भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई है बहुत सिंपल तरीके से, आसान है, आप भी बना सकते हैं ये। बस बच्चे ना ट्राई कर रहे, बच्चों को सरप्राइज दे सकते हैं, बच्चे को आप दिखा सकते हैं, आप सरप्राइज दे सकते, सरप्राइज बेस्ट। ये This is the how is cupen, ये हमारा ये पैक हो चुका है बिल्कुल, और इसमें से स्टीम बाहर निकलने का मतलब नो चांस। यस, सो दिस इज का हाउ आर यू लुकिंग, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट इट, हाउ इट इज गोइंग टू बी बिकम। डिड यू इट बिफोर? नो। डिड यू टेस्टेड इट बिफोर? नो। नो, यू हैव वंस। No. दोस्तों ये हो गया हमारा हांडी चिकन रेडी, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, गरम गरम पानी फेंकने का मजा ही कुछ और है। सो दोस्तों नाउ आवर हांडी चिकन इज गोइंग टू बी रेडी, वी विल कुक इट इन अ लो फ्लेम फॉर 2 hours, then our chicken will be yummy after 2 hours. Let's see after 2 hours. मिलते हैं अगले 2 घंटे के बाद। सो हमारा ये हांडी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज्यादा हमने इसको पका दिया, ऊपर का पानी बिल्कुल सूख चुका है। चलिए देखते हैं दोस्तों अब ये कैसे बनता है। अब इसको हम लेके जाएंगे बाहर टेबल में, उसके लिए हमें चाहिए ये टेबल, ये रोलर, और उसके ऊपर ये
इसको हम रखेंगे बाहर। चलिए रखते हैं टेबल में अब, क्योंकि ये ना बहुत गर्म है। इसको हम इसको रख वहां पर, इसको हम इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे। वाह, चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा हांडी चिकन कैसा बना है। काफी गर्म है दोस्तों। वाह वाह, क्या बात है, बहुत गर्म है। इसको आप होली वैसे अभी भी इसमें वो हो रहा है। ओके, जैसे चीज निकल रही है ना, क्या खुशबू है। ये इसके पीस है दोस्तों हंडी चिकन के। दोस्तों चार पीस ऐसे और विद ग्रेवी और हंडी के साथ मात्र 300 रुपए में। चावल, हांडी चिकन चार पीस फुल विद ग्रेवी हांडी के साथ मात्र 300 रुपए एट राजका किचन। ऑर्डर करना ना भूले दोस्तों, जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। नंबर हमारे नंबर नहीं है आपके पास, अब हमारे चैनल में आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसा लग रहा खाने में? ये हमारे कैमरा मैन को लालच आ रहा होगा ना, देख देख के वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक बार जो खाए बस खादा रह जाए, है ना, तेज है एकदम मेल्ट हो रहा है, एकदम जूसी। Thank you guys for watching the video. Hope you guys enjoy our show. Please remember to subscribe and hit the bell button and comment down below if you like it or not. We will see you in the next video. Bye. अच्छा बना हुआ है और delicious बना हुआ है, आप जरूर order करें और एक बार इसका स्वाद जरूर लें। और मैं इसके स्वाद को बयान नहीं कर सकता, जब आप इसको खुद खाएंगे ना, एक बार जो खाए बस खाता रह गए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम मोटिवेट होके और भी अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।